गुजरात देवी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अंबाजी, बहुचराजी जैसे मंदिर स्थित है, परंतु क्या आप जानते हो यहाँ एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ देवी सिंध पाकिस्तान से रूठकर एक भक्त की भक्ति को देखकर सूखे पेड़ के नीचे विराजमान हुई। यह देवी ऐसी चमत्कारिक है कि देवी के सामने दो बड़ी राजसत्ताएं नतमस्तक हुई है। कौन है ये देवी, क्या है उनका महिमा, क्या है इतिहास, जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके चलेंगे गुजरात के मेहसाणा जिले में कड़ा गांव में। यहाँ विराजमान है सिद्धेश्वरी माता। आज लोग सदी माता के नाम से माता को पुकारते हैं। माता यहाँ 11वीं सदी से विराजमान है। माता पाकिस्तान से लूटकर क्यों आए, जानते हैं पूरा इतिहास। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में माता सिद्धेश्वरी विराजमान थे। वहाँ का राजा था हमीर सुमरा। राजा ने देवी को प्रसन्न किया था। देवी कृपा से हमीर ने अखूट वैभव प्राप्त किया था। माता हमीर सुमरा को सदा सहायता करते थे। सुमरा के पास अच्छी औलाद की भैंसे थी। पूरे साम्राज्य में ऐसी भैंसे किसी के पास नहीं थी। उस समय गुजरात में सिद्धराज जयसिंह का शासन था। सिद्धराज ने अपनी भाभी के ताने से क्रोधित होकर अपनी क्षमता साबित करने के लिए हमीर सुमरा की भैंसों को पाटन लाने की योजना बनाई। यह काम बहुत ही कठिन था, क्योंकि सबको पता था कि सुमराओं की भैंसों की रखवाली माता सदी करते हैं। राजा सिद्धराज ने माता खुड़ियर की सहायता से सिद्धेश्वरी माता को दो दिन में भैंसे वापस करने की शर्त पर पाटन भैंसे लाया। दूसरे दिन जब सुमरा ने भैंसे नहीं देखी, तब उसने कई जगह इनकी खोज करी, परंतु खुड़ियर माता की कृपा से भैंसों का कोई अता पता नहीं मिला। तब सुमरा ने क्रोध में माता सिद्धेश्वरी का आवाहन किया, उनको भला बुरा कहा, माता का घोर अपमान किया। तब माता भैंसे लाने के लिए पाटन चली गई। वहां अपनी चमत्कारिक शक्ति का राजा जयसिंह को परिचय कराया। सिद्धराज ने वचन पूर्ति ना कर पाने के लिए माता की क्षमा याचना करी एवं गुजरात में स्थित होने की माता को प्रार्थना करी। तब सिंध गए और राजा को भैंसे लुटाकर सदा के लिए लुटकर गुजरात आ गए। गुजरात में आकर माता ने सिद्धराज जयसिंह को स्वप्न में दर्शन देकर स्थापना करने के लिए कहा। सिद्धराज जयसिंह ने माता की रानकी वाव के किनारे स्थापना की। माता ने जयसिंह की कई युद्ध अभियानों में सहायता करी थी। माता की महिमा समय के साथ बढ़ती गई। माता के बारे में एक बार सोझा गांव के वीरभाल रावण ने सुना। वीरभाल माता का भक्त था। माता को प्रसन्न कर सोझा लाने के लिए वीरभाल ने रानकी वाव जाकर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या प्रारंभ करी। माता तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए प्रकट हुई और वरदान मांगने के लिए कहा। माता को सोझा आने के लिए वीरभाल ने प्रार्थना करी। माता ने शर्त रखी कि वो जहाँ बैठेंगे या मुड़ कर देखेंगे वहाँ वो स्थित हो जाएंगे। वीरभाल पाटन से निकलकर कड़ा गांव के पास पहुँचा। तब धूप से थक कर उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। माता की शर्त वो भूल गए। विश्राम में उनको आँख लगी। तब माता ने वहाँ स्थापित होने की बात उनको स्वप्न में याद कराई। माता कड़ा गांव में पेड़ के नीचे स्थित हो गए। माता की पूजा करने के लिए वीरभाल सोजा से कड़ा आने लगे। एक बार गांव के मुखी को ये बात पता चली। मुखी ने वीरभाल को कहा, अगर तुम्हारी माता सच्ची है तो माता से प्रार्थना करो कि मुझे निसंतान को संतान मिले। वीरभाल ने माता को प्रार्थना करी। माता ने सम्मति दी। फिर भी मुखी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा और भी प्रमाण चाहिए। तब माता ने कहा, यहाँ जो सूखा पेड़ है, कल तक उसमें अगर पौधा निकल आए तब तो वो मानेंगे। दूसरे दिन मुखी ने वहाँ आकर देखा तो सूखे पेड़ में नया पौधा उगा था। मुखी ने माता का चमत्कार माना। मुखी ने माता की क्षमा याचना करी। वीरभाल रावल एवं गाँव वासियों ने पेड़ के नीचे माता की मूर्ति की स्थापना करी। माता के मंदिर का परिसर विशाल है। यहाँ पेड़ पर लोग चुनरी बांधकर माता से इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। माता ने मुखी की प्रार्थना पर स्वीकार करी और उसे समय जाने पर एक संतान की प्राप्ति हुई। माता का मंदिर वही पेड़ के नीचे बना हुआ है। गर्भगृह में माता की मूर्ति स्थित है, जिसमें एक अंबाजी एवं नीचे सिद्धेश्वर माता की छोटी मूर्ति एवं पादुका स्थित है। मंदिर में चांदी का एक झूमर है एवं माता का अखंड दिया गर्भगृह में जलता रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। माता को यहाँ शुद्ध घी की सुखड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
पूर्णिमा को यहाँ भारी भीड़ देखने को मिलती है। कई लोग यहाँ पूर्णिमा पूजा के लिए आते हैं। यहाँ रोज भंडारा लगता है। मंदिर की तरफ से भोजनालय में माता का प्रसाद भोजन दिया जाता है। मंदिर प्रांगण में सिद्धनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। माता के मंदिर के नजदीक सती माता को समर्पित एक और मंदिर स्थित है। माता सिद्धेश्वर की कृपा से कई निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है एवं मनोकामना पूर्ण होती है। यह मंदिर पहुंचने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन मेहसाणा जंक्शन है। यहां से कई बस एवं निजी वाहन कड़ा गांव के लिए उपलब्ध है। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आए। कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही देवी मंदिरों की जानकारी के लिए। जय माता जी।